महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी को झटका लगने के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल की माने तो आपको 59 और बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं। 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 3 सीटों से ही संतुष्टि करना पड़ा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने बड़े बहुमत के साथ 67 सीटों पर जीत हासिल किया था। वहीं इस चुनाव से तुलना करें तो इस बार बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिली है, लेकिन देखा जाए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में यह आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़े बहुमत से जीत मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे में केजरीवाल को 70% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को 11, कांग्रेस नेता अजय माखन को 7, जबकि मनोज तिवारी को 1% ने सीएम के लिए अपनी पहली पसंद बताया। यह सर्वे दिल्ली के सभी 70 सीटों पर करवाया गया है, जिसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 13,076 लोगों से बात की गई। अगर यह सर्वे सही साबित होते हैं तो बीजेपी को मिला एक और मौका हाथ से चला जाएगा। वहीं अगर पिछले करीब 14 महीनों की बात करें तो यह बीजेपी के लिए 6वीं हार होगी, जो अपने आप में ही चौंकाने वाला लगता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक दिन पहले 6 जनवरी को दिल्ली में होने वाले चुनाव की घोषणा किया है। सभी 70 सीटों के लिए मतदान 8 फरवरी को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में सिर्फ 1 महीना ही बाकी है और बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा तय नहीं किया है, लेकिन चुनावी रैली के दौरान बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत देखे जा रहे हैं जिसमें यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माना जा रहा है। बीजेपी के स्लोगन में दिल्ली चले मोदी के साथ, मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों का प्रयोग किया गया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।